चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। आदर्श बिहार टर्मिनल को जाने वाली अपने वाया जमालपुर की ओर पटना पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से ट्रेन नंबर जाने वाली अपने निर्धारित समय 11 आप लोग भी नाक से चढ़ा लो, नाक से चढ़ा लो। तुम बेटा हट जाओ आगे से, तुम बच्चा है। चलो उधर जाओ, उधर जाओ। यही भागलपुर से ये दिल्ली विशिष्ट मान भावों के लिए भेजा जाता है। उसी कड़ी में इस बस भी 2000 पैकेट धान आम जो है सो भेजा जा रहा है कि अगर एक टोकरी या 10-20 आम पका हुआ रख दिया जाए तो पूरे रूम ही नहीं आसपास के एरिया में भी वो जो है सुगंध फैल जाता है एक बहुत अच्छी प्रकार का, और सुगंध से भी पेट भरने लगता है। और इसमें खासियत है कि बूढ़ा रोगी बच्चा जब सारे आदमी तमाम लोग काफ़ी मात्रा में खाकर भी इसको पचा सकते हैं, और ये चीनी का मात्रा इसमें कम रहता है, इसका थोड़ा बहुत डायबिटीज़ वाले भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो है मैंने हर विशेषता को देखते हुए ये काफ़ी बढ़िया आम है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम का व्यवहार करने के लिए यूज करने के लिए यही आम सबसे उपयुक्त है, जिसको आप अधिक मात्रा में भी खा के और हेल्थ के लिए लाभदायक है। जैसा कि देख रहे हैं जरदालू आम जो होता है वो आम के सीजन का सबसे पहले आने वाला आम है, ठीक है। और ये जो है GI टैग इसको मिला हुआ है भागलपुर को, इसलिए बिहार का एक तरह से गौरव की तह कहा जाता है। जैसे कि लीची में शाही लीची को मुजफ्फरपुर का है, उसी तरह से भागलपुर के जरदालू आम का। तो ये सीजन का जो पहला प्रथम आम होता है किस्म जिसको कि खाने के योग्य समय पे होता है, तो ये जरदालू आम विगत 2007 से ही दिया जा रहा है। और इस बार सबसे ज़्यादा खेप है जो कि डिमांड की गई है, 2000 की है पैकेट, फर्स्ट टाइम 2000 है जो कि जा रहा है।